गाइस मैं आपके सामने एक चॉइस रखता हूँ, आप ऐसा वीडियो देखना पसंद करेंगे या ऐसा वीडियो देखना पसंद करेंगे या इवन बेटर चॉइस आपकी है। मैं बताता हूँ आपका चॉइस यही सेटअप होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करें और आपको ज़्यादा कुछ लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको मैं पुराने वीडियो को रिफर करना पड़ेगा और अभी के दो प्रोडक्ट्स आपको ऐड करने पड़ेंगे। तो गाइस आपको ऐसे वीडियो बनाने के लिए, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए 3 की लाइट्स की जरूरत पड़ेगी। की लाइट्स मतलब 3 टाइप के लाइट्स की जरूरत पड़ेगी। पहला होगा डायरेक्ट सोर्स और दूसरा होगा आपके बैकग्राउंड, आपको बैकग्राउंड से डिटेच करने के लिए एक लाइट सोर्स जो कि आपके कॉर्नर पर रखा होगा, मेरे ख्याल से लेफ्ट कॉर्नर पे या फिर राइट कॉर्नर पे, जैसा आप चाहे। ये लाइट आप काम करेगा आपको आपके बैकग्राउंड से सेपरेट करने का। और एक लाइट जो कि पार्टिकल लाइट्स होगे जिसको आप कुछ भी लगा सकते हैं पार्टिकल लाइट्स की तरह, आपको बस एक आइडल लाइट सोर्स चाहिए जो कि थोड़ा डिम हो, बिकॉज क्योंकि रिंग लाइट डिम नहीं होता, तो नो मैटर व्हाट ये पार्टिकल लाइट्स में बिल्कुल नहीं आने वाले, तो हम इसका यूज नहीं करेंगे। हालांकि ये अच्छा दिखे मगर वीडियो में आपको ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन लगेगा, ये मतलब एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करेगा क्योंकि आपके इस पोर्शन को भी सेपरेट कर दिया गया और इस पोर्शन को भी वीडियो से सेपरेट कर दिया गया है। तो भी ओ माय गॉड मैं बहुत ज़्यादा बोला, तो भी हम इस लाइट को यूज नहीं करेंगे। हालांकि इसका ब्राइटनेस कम भी किया जा सकता है मगर सेम थिंग, इससे बेहतर यही है कि इसको बंद भी कर दो। तो गाइस 3 टाइप के लाइट्स, एक होगा डायरेक्ट सोर्स, एक होगा आपके कॉर्नर पे और एक होगा आपका पार्टिकल लाइट्स। तो बेसिकली मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि ऐसा एनवायरनमेंट क्यों क्रिएट, कैसे क्रिएट करें और क्यों ये नेसेसरी होगा अगर आप एक यूट्यूबर हो तो। पहला प्रोडक्ट जो मैं रिफर करना चाहूंगा अपने प्रीवियस सेट स्टूडियो सेटअप वीडियोस में से, उसका नाम है यूलांजी VL49 जो कि एक कॉम्पैक्ट लाइट है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, कॉम्पैक्ट का लाइट है जो कि बहुत अच्छा काम करता है, उसका ब्राइटनेस सफिशियंट है आपके वीडियो का मेन आपका मतलब डायरेक्ट सोर्स बनने के लिए। और जो दूसरा चीज़ जो मैं जो हम इस सेटअप में ऐड करेंगे वो है एक LED फ्लड लाइट यही कुछ कहते हैं उसे, जो कि मैं लाया था एक्चुअली मैं 800 करके, आप कम वाले भी ले सकते हैं, मैं आपको रिकमेंड आराम से करूँगा बिकॉज फ्लड लाइट का काम ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस अच्छा आपके वॉल पे प्रोजेक्ट करना होता है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। तो गाइस बेसिकली फ्लड लाइट कुछ इस तरह का होता है जो कि आपके वॉल पे एक रिफ्लेक्शन टाइप का बनाता है, और ये फ्लड लाइट बहुत पावरफुल होता है, आप 250 रुपये का भी ले सकते हैं, मैं आपको अमेजोन से लिंक्स दे दूंगा। तो गाइस एक जगह बैठ के ये वीडियो बनाना लगभग इम्पॉसिबल टास्क है, तो आ जाते हैं ब्लॉग मोड में। तो बेसिकली पहला लाइट जो हम फ्लड लाइट को जहाँ प्लेस करेंगे वो मेरे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है इस तरह। तो गाइस हमें एक मिनट, हमें इस लाइट को इस तरह से प्लेस करना है जो कि आपके वॉल पे रिफ्लेक्ट करके आपके फेस पे रिफ्लेक्शन का हल्का सा पार्ट आपके फेस में रिफ्लेक्ट हो। और गाइस दूसरा लाइट हम पीसी के टेबल के पीछे लगा देंगे जैसा मैंने इस तरह से लगाया है, इस तरह से ताकि ये बिल्कुल आपके वॉल पे रिफ्लेक्ट करके आपके पीसी को इस तरह का हाईलाइट करे। तो गाइस यहाँ एक बात है, यहाँ क्वालिटी की बात आती है, आपके फ़ोन का सेंसर हमेशा कैमरा से सेंसर से कम ही होता है,
मैं अभी फ़ोन यूज़ करता हूँ अपने वीडियोस में, मगर मैं कुछ ही दिनों में कैमरा पे स्विच होने वाला हूँ। तो बोके बहुत एक कॉन्सेप्ट है जो कि फ़ोन पे बिल्कुल नहीं के बराबर आते हैं, क्योंकि फ़ोन में जो पोर्ट्रेट मोड में बोके जो बनाया जाता है वो बोके एक्चुअली में सॉफ्टवेयर प्रोसेस होता है, ना कि आपके कैमरा से होता है। मगर कैमरा में बोके अपने आप ऑटोमेटिकली अपर्चर के हिसाब से आता है। तो गाइस, कहने का अंतर बस ये है कि आपको ऐसा सेटअप बिल्कुल बन जाएगा और कैमरा आने के बाद क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आएगा। मगर क्योंकि ये एक टोटली स्मार्टफोन के लिए एक वीडियो था, तो गाइस ये आपके स्मार्टफोन में बिल्कुल ऐसा दिखने वाला है जो कि मेरे ख्याल से मॉडर्न एनफ है स्मार्टफोन फोटोग्राफी के लिए, वीडियोग्राफी के लिए। तो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, कमेंट करो, मुझसे बातें करो। एंड मिलता हूँ अगले वीडियो में। मेरा नाम है शहबाज, वेलकम टू द डीमन क्लब। थैंक यू, बाय बाय।